बहराइच हिंसा पर विस्फोटक खुलासा हुआ है। मृतक राम गोपाल की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई है। रिपोर्ट में राम गोपाल के साथ बर्बरता के सबूत मिले हैं। राम गोपाल के शरीर पर करीब 35 छरे लगे थे। हत्या से पहले तड़पाया गया, नाखून उखाड़े गए, राम गोपाल को करंट भी लगाया गया। तो बहराइच हिंसा पर यह विस्फोटक खुलासा हुआ है। बहुत ही निर्मम तरीके से उसकी हत्या की गई। मृतक राम गोपाल की पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आई है। रिपोर्ट में राम गोपाल के साथ बर्बरता के सबूत मिल गए हैं। हमारा नाम किशन मिश्रा है और हम गोपाल के छोटे भाई हैं, चचेरे। सीएम साहब से हमारी मुलाकात हुई, जो आश्वासन उन्होंने दिया है वही आश्वासन की हमें ज़रूरत थी और उन्होंने कहा है कि अपराधियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी और जो आर्थिक हो सकेगा वो भी हम करेंगे। इसमें एक आवास की भी बात की है और शायद हमारी भाभी के लिए कुछ जॉब के लिए भी बात किए हैं और लगभग 10 लाख रुपये की राशि देने के लिए भी कहा है और उन्होंने आश्वासन दिया है कि अपराधियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी और जो आश्वासन उन्होंने दिया है उससे हम संतुष्ट पूरी तरीके से। अब्दुल हमीद के घर के बगल में मौजूद पप्पू जायसवाल के घर को भी पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त किया गया। हमारे कैमरा पर्सन तस्वीर दिखाए कि ये जो गेट है ये पहले लगा हुआ था सही से और इसको तोड़ दिया गया पूरी तरीके से और अब इसको इन्होंने बल्ली से किसी तरह लगाकर यहाँ पे रोक रखा है। घर के अंदर की भी तस्वीर हम दिखाएंगे क्योंकि हुड़दंगी जब यहाँ पर गिरे थे, ये देखिए पंखा, बच्चा बता रहा है कि इस पंखे को तोड़ दिया। बेटा ये पंखा पहले ठीक था पूरा? ठीक थी पूरी। तो पंखा तो उसको तोड़ दिया? तोड़ दिया। देखिए पंखा तोड़ दिया पप्पू जायसवाल। काफी जो है आर्थिक स्थिति इनकी अच्छी नहीं है, गरीब परिवार है, लेकिन उसके बाद भी हुड़दंगियों ने इनको बख्शा नहीं। और एक बार इनकी छत पर हम चलेंगे, छत पर चल के एक बार देखेंगे कि यहाँ पर, क्योंकि बच्चे ने बताया कि जो बोतलें थी वो दूसरी तरफ से फेंकी गई, इनके घर पे कांच जो है वो मौजूद है। तो हम छत पर चल रहे हैं और बगल का जो घर है वो भी दिखाएंगे जहाँ पर उसको घसीटने का जो है काम किया गया था। तो हम तस्वीरों में ये देखिए कांच की बोतलें आई है, आराम से आएंगे हमारे कैमरा पर्सन संभल के, क्योंकि कांच की जो बोतलें हैं टुकड़े हैं, ये देखिए ये कांच की बोतल्स हैं, ये पूरे टुकड़े हैं जो यहाँ पर इस समय पड़े हुए हैं और ये बोतल्स चलाने का काम किया गया था। ये कोल्ड ड्रिंक की बोतल है, आप अंदाज़ा लगाइए। देखिए यहाँ पे खून के निशान भी पड़े हुए हैं। बेटा ये किसका खून पड़ा हुआ है यहाँ पे, किसका निशान है? गोपाल मिश्रा का है। कौन खत्म हो गया? गोपाल मिश्रा का ये खून है, यहीं पे उनको गोली मारी गई। तो देखिए ये गोपाल मिश्रा के खून के धब्बे के निशान है, यहाँ से गोली मारी। गोली बेटा किधर से मारी गई थी? गोली अंदर से मारी गई। जिससे कैसे? यहाँ से लेटिंग थी सर, इसके अंदर से, वहाँ से सामने से गोली मारी गई थी। यहाँ पर पहले से बोतल से इकट्ठा करके रखी गई थी कि अगर कोई बवाल होगा तो बोतलें चलाने की काम किया जाएगा। और यहाँ पर आप देखिए कि डंडे भी यहाँ पर रखे गए थे कि ज़रूरत पड़ने पर उसका इस्तेमाल किया जाए। और जो बच्चा बता रहा है कि वो सामने जो घर है, हमारे कैमरा पर्सन फिर से दिखाएं कि क्या उस समय मंजर यहाँ पे रहा होगा, पूरा समझाने का हम आपको प्रयास कर रहे हैं कि गोपाल मिश्रा इस घर पर चढ़े थे, यहाँ पर वो रेलिंग टूटी, उसके बाद उनको इधर से लेकर जाया गया। और ये जो सामने आप दीवार देख पा रहे हैं, यहाँ से गोपाल मिश्रा के ऊपर जो है गोली फायर की गई थी, गोली मारी गई थी और यहाँ पर गोपाल मिश्रा का शव जो था वो मौजूद था। आप देखिए ये खून है गोपाल मिश्रा का इस वक्त यहाँ पर पड़ा हुआ है और यही जो तस्वीरों हमने देखा था, ये बोतलें हैं, कांच यहाँ पड़ी हुई हैं और यही वो जीना है जहाँ से गोपाल मिश्रा को लेकर जाया गया था। तो लगातार जो तस्वीरें, एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं।